जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। घर के वातावरण में अच्छी ऊर्जा का प्रवाह कैसे करें, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। घर में शनि राहु के द्वारा जो उत्पात किए जाते हैं उनको कैसे रोका जाए, या फिर ये कह लीजिए कि राहु मानसिक परेशानी देता है, शारीरिक परेशानी देता है, आर्थिक परेशानी देता है, तो इसको कैसे रोका जाए। यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा घर में भरना, इसका क्या तरीका हो सकता है, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। परंतु चर्चा करने के पहले मां भगवती आदिशक्ति काली मां के चरणों में शीश नवाते हुए उनकी प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करते हैं। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमत्तस्से 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमत्तस्से 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमत्तस्से 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 नमो नमः। शौरूढां महाभीमहां घोर दष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां तिनेत्तां च कपालकर्तकारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबति रुधिर मुहुं चतुर्बाहुयुक्तां देवी वरा भयकराम स्मृतेत। ओम ध्यायत काली महामाया तिनेत्रां बहुरूपिणी चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्र निभावनां नीलोत्पल दल प्रख्यां शत्रु शंग विदारिणीं नर मुंड तथा खड़गम कमलम वरदम तथा विभ्राणाम रक्तवदनाम दृष्टाली घोरूपिणीम अट्टाहस निरताम सर्वदाम च दिगंबराम शवासन स्थिता देवी मुंडमाला भूषिता। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जैसा कि पुराने जमाने में सभी लोग जानते हैं कि उस समय पे घर में जो भी खाना बनता था, भोजन बनता था, चाहे चाय बनती हो, चाहे दूध उबलता हो, रोटी बनती हो, कुछ भी बनता था, तो उसका एक हिस्सा, थोड़ा सा भाग अग्नि में डाल दिया जाता था। उसके बाद में ही घर परिवार के किसी सदस्यों को खिलाया जाता था। उसके पीछे का केवल एक ही कारण था कि रोजाना संक्षिप्त रूप से उस अग्नि में हवन हो जाता था जो हम खा रहे हैं, यानी भोजन का एक हिस्सा हमने अग्नि को समर्पित कर दिया। उस परम पिता परमात्मा को, अग्नि नारायण को समर्पित करने के बाद भोजन करते हैं तो वो भोजन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है, उससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और बीमारियां भी नहीं आती है, क्योंकि भोजन का एक भाग हमने उस ईश्वरी शक्ति के निमित्त निकाल के होम कर दिया। और पुराने जमाने में एक कार्य और किया जाता था जो आजकल बंद ही कर दिया करीब करीब, इसलिए भी घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति, परेशानी और व्यथा है। और उसका कारण है कि गाय के गोबर के उपले को जलाकर उसके ऊपर गूगल, धूप, थोड़ी सी गुड़, कपूर, काले तिल, घी और नवग्रह लकड़ी का चूरे का बुरादा, ये दोनों समय सुबह और शाम भोजन करने के पहले
ईश्वर को प्रदान किया जाता था और शाम को भी गोधूली बेला में यह धुनी की जाती थी। यानी गूगल, कपूर, काले तिल, घी, गुड़ और नवग्रह की लकड़ी का बुरादा, इन सबको गाय का सूखा गोबर को जला लिया जाता था, आग बबूला कर दिया जाता था, धुआं निकलना बंद हो जाता था, उसके बाद उसके ऊपर ये चीज छोड़ी जाती थी। ऐसा करने से, और उस समय पे हमारी जो बड़ी बुजुर्ग हुआ करती थी पूर्वज, वो कुछ मंत्र बोल लिया करते थे जो भी उनको आता था, चाहे बिना पढ़े लिखे थे, कम पढ़े लिखे थे, पर फिर भी ईश्वर का नाम अवश्य लेते थे। तो गूगल की ये धुनी देते समय ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये कोई मंत्र नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर के नाम है। और यह नाम लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, कि नाम को भी गुरु से प्रदान किया जाए या गुरु के माध्यम से ही ये लेंगे, गुरु से ही मंत्र लेंगे तो ही बोल पाएंगे, ऐसा इसमें नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कालेश्वराय नमः, ये जप करते रहना चाहिए। कुछ मनुष्यों को यदि गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, यदि आपको महामृत्युंजय का मंत्र आता है तो महामृत्युंजय का जप कर लेना चाहिए, उस दौरान जब तक ये गूगल, गुड़, घी, शकर की धुनी चलती है। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और इससे मानसिक शांति मिलती है। शारीरिक दुख यदि है, यानी बीमारी दुखी है, तो वो भी चली जाती है, और आर्थिक कष्ट यदि है तो वो भी धीरे धीरे आर्थिक कष्ट भी कम होने लगते हैं। और इसका एक ही कारण है कि काले तिल जो है श्री नारायण के पसीने की बूंद है। ऐसा काले तिल अग्नि में डालने से राहु शांत होता है, गुड़ अग्नि में डालने से मंगल शांत होता है, और घी अग्नि में डालने से शुक्र प्रबल होता है, और नवग्रह की लकड़ी का बुरादा डालने से सभी नवग्रह प्रसन्न होते हैं। और गूगल, गूगल को कहा जाता है कि यह देवियों का, कुल देवियों का या जितने भी देवियां होती है, देवता होते हैं, उनकी हविष्य का सबसे ज्यादा प्रिय भोजन गूगल की धुनी है। तो केवल एक क्रिया करने से आप सभी ग्रहों को नियंत्रण कर सकते हो। मंगल प्रबल हो जाएगा आपका तो खून में गर्मी रहेगी, तो आप में आलस्य नहीं रहेगा। काले तिल डालने से राहु आपको नुकसान प्रदान नहीं करेगा, घी डालने से आपका वैभव बढ़ेगा। वैभव तभी बढ़ता है जब लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, यानी शुक्र की कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को यह गाय के सूखे गोबर यानी उपले के ऊपर पूर्ण रूप से जलाने के बाद में घी, गुड़, काले तिल, गूगल और नवग्रह की लकड़ी का बुरादा, ये अवश्य उसके ऊपर छोड़ना चाहिए दोनों समय, सुबह शाम, ताकि ये हवन का काम करता है। और रोज करें, इससे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। क्योंकि ये जो परेशानी है आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, ये तीनों परेशानियों में राहु का पूरा पूरा हाथ होता है। और घर में सुगंधित धुआं होने पर राहु अपना बुरा प्रभाव त्याग देता है, इसलिए घर में सुगंधित द्रव्य यानी इत्र अवश्य छिड़कना चाहिए, सुगंधित अगरबत्ती लगाना चाहिए, और यदि कोई सुगंधित जड़ी बूटी आती है तो वो अवश्य जलाना चाहिए या गूगल की धुनी देना चाहिए।
और यदि धूनी देते समय यदि आपने कोई भी बृहस्पति का मंत्र जप कर लिया, किसी देवी देवता का मंत्र जप कर लिया, किसी कुल देवता का मंत्र जप कर लिया, कुल देवी का मंत्र जप कर लिया, तो वहां पर बृहस्पति देव गुरु ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाते हैं, आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब गुरु महाराज वहां पे उपस्थित हो जाते हैं, जो गुरु है, और सुगंध जो है उसके ऊपर शुक्र महाराज का अधिकार होता है, तो मंत्र बोलने से गुरु महाराज भी आ गए जो देवताओं के गुरु हैं, और सुगंध देने से शुक्र भी आ गया जो राक्षसों का, देत्यों के गुरु है। और जब देत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु दोनों मिल जाते हैं तो राहु बिल्कुल भी कष्ट प्रदान नहीं करेगा। जो राहु है वह देव और देवता दोनों के गुण को लिए हुए होता है, क्योंकि उसने अमृत पी रखा है, इसलिए यह अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए इंसान के भी दो दिमाग होते हैं, एक सकारात्मक सोच होती है, एक नकारात्मक सोच होती है, और ये दोनों जो है दिमाग पे कंट्रोल कौन करता? राहु करता है। तो यदि आप राहु को सकारात्मकता की ओर लेकर के जाना चाहते हो तो घर के अंदर गाय का ही गोबर का सूखा कंडा के ऊपर आग लगा करके जब वो पूरा जल जाए तब उसके ऊपर घी अवश्य डालना है, देशी घी डालिए, आपको गुड़ अवश्य उसके ऊपर डालना है, काले तिल अवश्य उसके ऊपर डालना है, और नवग्रह की लकड़ी का बुरादा भी उसके ऊपर आप डाल दीजिए, और घर में जो कुछ भी बना हो, चाहे खीर बनी हो, हलवा बना हो, रोटी बनी हो, उसके टुकड़े भी उसके ऊपर डाल दीजिए और उसकी धुनी चलने दीजिए। जब तक धुनी चलती है आप तब तक जो है मंत्र जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुव स्वः। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम, या फिर ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, या फिर और भी कर सकते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। ओम बम भैरवाय नमः क्रीं कालिकाय नमः। तो इस तरीके से जो भी मंत्र आपको आता हो या फिर गुरु से कोई मंत्र लिया हो तो उसका मंत्र का जप करने से घर के अंदर की बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती है, और गुरु शुक्र दोनों की उपस्थिति से राहु बिल्कुल भी कष्ट प्रदान नहीं करेगा। घर में गंदगी फैल गई है तो बदबू आएगी आएगी, यानी राहु बुरा काम करेगा ही करेगा और मन को विचलित भी करेगा, जबकि वही खुशबू राहु अच्छा राहु बन करके वो मन को प्रसन्न भी करेगा। तो शरीर के ऊपर इत्र भी इसीलिए लगाया जाता है कि इससे राहु का प्रभाव अच्छा प्रभाव हो, सकारात्मक प्रभाव हो, धनात्मक प्रभाव हो, नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इत्र को लगाना चाहिए। परंतु इत्र को लगाने से यदि आपके भाग्य में लगन चार्ट के अनुसार कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो राहु को जितना ज्यादा बल मिलेगा उतना ही आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, तंत्र क्रिया, प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा लगने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है, मन विचलित ज्यादा करेगा तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होगा, इसलिए इत्र नहीं लगाना चाहिए। तो अब नटशल में रिजल्ट यह निकल करके आता है कि यदि घर में आप सुख समृद्धि शांति चाहते हो तो रोजाना कोयले के ऊपर या गाय के सूखे कंडे को जला करके उसके ऊपर आपको घी, शकर, गुड़, काले तिल, हो सके तो पीली सरसों भी डाल दे, और नव ग्रह की लकड़ी का बुरादा भी उसके ऊपर डालें, गूगल अवश्य डालें, जिससे घर की
नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाए और उसको पूरे घर में आपको घुमाना है, परिक्रमा करना है, मंत्र जप करते रहिए, जो आपको पसंद हो ओम क्लीम कृष्णाय नमः भी बोल सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हो, ओम नमो नारायण बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय आप बोल सकते हो, ओम गम गणपते नमः आप बोल सकते हो, पंचदेव में किसी का भी मंत्र आप चाहें तो बोल सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्य वरदे देवी, नीलपर्वतो वासिनीतम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी, हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते, कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। यदि किसी मनुष्य को ये मिला हुआ सामान चाहिए, गूगल, कपूर, काले तिल, घी, गुड़, नवग्रह की लकड़ी का बुरादा और पीली सरसों मिक्स किया हुआ जो धूप देने के लिए यदि किसी को चाहिए तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है, उचित दक्षिणा देकर के यह चीजें मिक्स की हुई आप प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।